खिलाड़ियों को मदद मिलती है, ना कोच मिलते हैं और ना ही पदक मिलते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। साल 1996 का वक्त था जब बास्केटबॉल खेल को राजस्थान के लिए शान माना जाता था, लेकिन आज के वक्त में राजस्थान की टीम एक अदद पदक के लिए तरस जाती है। खेल विभाग की अनदेखी के चलते इस खेल पर ऐसी नजर लगी कि लगातार ये खेल गर्त में ही जाता रहा। अर्जुन अवार्ड विजेता हनुमान सिंह, जोरावर सिंह, परमजीत सिंह, बलदेव सिंह, ओम प्रकाश, राधेश्याम जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रदेश से निकले हैं, लेकिन अब बास्केटबॉल की स्थिति बेहद खराब है। प्रदेश के लिए टीमें तो फिर भी अवार्ड लेकर आती हैं, लेकिन सीनियर टीम की झोली लगातार ही खाली जाती है और इसकी मुख्य वजह है बेहतर प्रशिक्षण का अभाव, सुविधाओं का ना होना और करियर को लेकर सरकारी मदद नहीं। जब बात सीनियर लेवल की आती है तो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो जॉब के लिए दूसरे स्टेट या फिर किसी सर्विस टीम के साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ जॉब न होने के कारण बाहर जाते हैं। जूनियर लेवल तक राजस्थान से अपने घर से खेल रहे हैं, पर जब जॉब नहीं मिल रही है तो बाहर की तरफ जा रहे हैं। महिला बास्केटबॉल की टीम की स्थिति भी ऐसी ही है। खिलाड़ियों की लंबाई कम होने की वजह से दूसरी टीमें राजस्थान की टीम पर भारी पड़ जाती हैं, तो ग्रामीण इलाकों में अच्छे खिलाड़ियों की तलाश नहीं की जाती और खामियाजा खेल को भुगतना पड़ता है। सरकार और खेल विभाग ने खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया। खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती है। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है। वुडन कोर्ट की बजाय प्लास्टिक और रबर टाइल्स पर खेलते हैं खिलाड़ी। 6 कोर्ट में 1 खराब कोर्ट की मरम्मत आज तक नहीं। सीनियर में मेडल नहीं आने का सबसे बड़ा कारण जो है वो राजस्थान में नौकरियां नहीं है। जूनियर तक प्लेयर यहाँ रहता है, खेलता है, लेकिन सीनियर में राजस्थान के अंदर स्टेट गेम होते हुए स्टेट का एक भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है जो प्लेयर्स की भर्ती करता हो। आज हिंदुस्तान की सारी बड़ी टीमों के अंदर हम देखते हैं तो राजस्थान के प्लेयर खेलते मिलते हैं, बस उसका फायदा राजस्थान नहीं उठाता, सिर्फ रोजगार के कारण ही वो प्लेयर बाहर जा रहे हैं। खेलों को बढ़ावा देने की बात हर सरकारें करती हैं, लेकिन हकीकत आप देख सकते हैं। सरकारी अनदेखी की वजह से ना खिलाड़ी बच पा रहे हैं और ना ही प्रदेश में खेल बचा है। यानी राजस्थान के राजकीय खेल पर ग्रहण लगा है, लेकिन इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। जी मीडिया के लिए जयपुर से ललित कुमार की रिपोर्ट।